evening students, I hope you all are good at home. So today's subject is, आज का आपका क्या subject है बेटा? आज आपका subject क्या है? Maths. क्या है? Maths. आप सब बच्चों ने अपनी previous video में counting सीखी है ना बेटा? कहाँ तक सीखी है आपने counting? 7 तक. कहाँ तक? 1, 2, 7. तो आज हम उसी के आगे सीखेंगे. आज हम क्या सीखेंगे? 8 और 9. क्या सीखेंगे बेटा? 8 and 9. सबको समझ में आ रहा है? आज आपको मैम काउंटिंग में क्या सिखाने वाली है? 8 और 9. तो मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ कि 8 हम कैसे बनाते हैं. 8 ये क्या है बेटा? 8 ये क्या लिखा है बेटा? 8. तो हम 8 डक्स, इसमें क्या है? डक है ना. हम डक को गिनेंगे, काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो कितनी डक्स हैं? 8. और 8 हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से. ठीक है. और आज हम 8 के साथ साथ ये क्या है? 9. क्या है बेटा? 9. तो हम क्या सीखेंगे? 9. तो ये कितने बैलून्स हैं? 9 बैलून्स काउंट करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो कितने बैलून्स है ये? 9 बैलून्स. सो बेटा अब लुक एट द ब्लैक बोर्ड एंड लिसन केयरफुली. अगर आप मैम की बात ध्यान से सुनोगे तभी आपको ये क्या होगा? बनाना आएगा. ठीक है बेटा. तो आज हम क्या बनाने वाले हैं? 8. तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं बेटा? 2 सर्कल्स को ज्वाइन करके भी 8 बनता है. और आप इस तरीके से भी आप 8 बना सकते हो. सबको समझ में आ रहा है? 8 मैम ने कैसे बनाया? तो आपको भी अपनी नोटबुक में इसी तरीके से साफ साफ हैंडराइटिंग में क्या बनाना है? 8 बनाना है. क्या बनाना है बेटा? 8. क्या बनाना है मैम ने? 8. फिर आप एक लाइन लीव करोगे, छोड़ोगे, उसके बाद आपको क्या बनाना है? 8. ये क्या है बेटा? 8. जिन बच्चों का भी इस तरीके से नहीं आ रहा वो ऐसे बना सकते हैं. 8. ठीक है बेटा, ऐसे 8. अब आप 2 लाइंस 8 की लिखोगे. 8 के बाद आज हमने क्या पढ़ा है? 9. क्या पढ़ा है बेटा? 9. तो 9 बनाने के लिए कैसे? पहले सर्कल ऑफिस स्टैंडिंग लाइन बिल्कुल सीधा. तो ये क्या है बेटा आपका? 9. क्या है ये? 9. अब आप यहाँ पे बनाएंगे, पहले आप सर्कल करेंगे ऑफिस स्टैंडिंग लाइन. तो ये क्या बना बेटा आपका? 9. क्या बना? 9. तो आज हमने क्या सीखा बेटा? 8, 9. रीड करो, ये क्या लिखा है? 8, 8, 9, 9. तो आज आपने क्या सीखा? 8 और 9. काउंटिंग में आज आपने क्या सीखा? 8 और 9 बनाना. ठीक है, चलो फिंगर्स में काउंट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. कितनी फिंगर्स हैं अभी? 8. और अब मैंने 1 और खोल दी तो कितना बना? 9. काउंट करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. कितनी फिंगर्स हैं? 9 फिंगर्स. सबको समझ में आ गया? अब इसी तरीके से आपको अपनी नोटबुक में साफ साफ हैंडराइटिंग में राइट एंड लर्न करना है. ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? क्लास वर्क है. क्या है बेटा? क्लास वर्क. और इसी को आपको होमवर्क में भी आपको सेम काम करना है. तो आपको कितने पेजेस हो गए? 2 पेजेस. तो आपको ये क्लास वर्क और होमवर्क करना है. ठीक है बेटा.